दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बल्लेबाजों की जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। बात की जाए T20 की तो ये क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है जिसमें हर एक टीम को खेलने के लिए 20 ओवर निर्धारित किए गए। हर टीम की कोशिश होती है कि इन निर्धारित ओवरों में विरोधी टीम के सामने बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाना तो एक सामान्य बात है, लेकिन इस 20 ओवरों के फॉर्मेट में शतक लगाना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि ओवर सीमित होने के कारण बल्लेबाजों को जोखिम भरे शॉट्स भी खेलने पड़ते हैं जिसके चलते बल्लेबाज आउट भी होते हैं। इसके बावजूद भी इस फटाफट क्रिकेट में कई बल्लेबाज शतक जड़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं वेस्टइंडीज के एविन लुइस, जो साल 2016 से अब तक 50 मैच खेले हैं जिसकी 49 पारियों में 1423 रन बनाए हैं। लुइस अब तक T20 क्रिकेट में 2 शतक लगा चुके हैं। इनका T20 में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 125 रन है और इन्होंने 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पे आते हैं भारत के KL राहुल। इन्होंने भी अपने T20 करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी। राहुल अब तक 56 T20 मैच खेले हैं जिसकी 52 पारियों में 1831 रन बनाए हैं। राहुल ने T20 क्रिकेट में अब तक 2 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं। इनका T20 में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 110 रन है। इस लिस्ट में नंबर 8 पे आते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। क्रिस गेल भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 शतक जड़ चुके हैं। गेल ने 79 मैचों की 75 पारियों में 1899 रन बनाए हैं जिसमें 14 अर्धशतक भी शामिल हैं। गेल का T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन है। इस लिस्ट में नंबर 7 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान एरन फिंच। फिंच अब तक 86 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं जिसमें इनके नाम 2 शतक हैं। फिंच ने 86 T20 पारियों में 2676 रन बनाए हैं व इनका T20 में हाईएस्ट स्कोर 172 रन है, जो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इस लिस्ट में नंबर 6 पे आते हैं न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल। गुप्टिल अब तक 112 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं जिसकी 108 पारियों में इनके नाम 3299 रन हैं। गुप्टिल ने अब तक T20 क्रिकेट में 2 शतक व 20 अर्धशतक लगाए हैं। इनका T20 क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 105 रन है। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं पाकिस्तान के वर्तमान कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम ने साल 2016 से अब तक 99 मैचों की 94 पारियों में 3355 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने अब तक T20 क्रिकेट में 2 शतक व 30 अर्धशतक लगाए हैं। इनका T20 में हाईएस्ट स्कोर 122 रन है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं वर्तमान समय में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हाल ही में स्काई ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में 112 रनों की नाबाद पारी खेली और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 से ज़्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे व भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। सूर्या ने अब तक भारत के लिए 45 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसकी 43 पारियों में 46.81 की औसत से 1578 रन बना चुके हैं। सूर्या अब तक 3 शतक व 13 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के हरफन मौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल T20 में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक इस फटाफट क्रिकेट में 3 शतक जड़ चुके हैं। इनके नाम 98 मैचों की 90 पारियों में कुल 2159 रन है। इसके अलावा मैक्सवेल ने 10 अर्धशतक भी जमाए हैं। मैक्सवेल का T20 क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 145 रन है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो। मुनरो T20 में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। इन्होंने अब तक 65 मैचों की 62 पारियों में 1724 रन बनाए हैं जिस दौरान मुनरो ने 3 शतक व 11 अर्धशतक लगाए हैं। इनका T20 में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 109 रन है। और अब बात की जाए T20 में सबसे ज़्यादा शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये रिकॉर्ड भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है। साल 2007 में भारतीय टीम पहली बार T20 विश्व कप विजेता बनी थी और रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा थे। साल 2007 से अब तक रोहित ने कुल 148 T20 मैच खेले हैं जिसकी 140 पारियों में 3853 रन बना चुके हैं। इस दौरान रोहित के बल्ले से सबसे ज़्यादा 4 शतक निकले हैं। आपको बता दें रोहित के नाम T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है।
इनका T20 क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 118 रन रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।